आदर्श अधिवक्ता मंच ने एडवोकेट एसोसिएशन बिल्डिंग में अपने सदस्यों के साथ अहम बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी होने वाले बार एसोसिएशन चुनाव में आदर्श अधिवक्ता मंच अच्छे कैंडिडेट को वोट करेगी, साथ ही नए सदस्य को संगठन में जोड़ा जाएगा। आदर्श अधिवक्ता मंच एक ऐसा संगठन है जिसमें रिटायर्ड सरकारी कर्मी सदस्य होते हैं। सरकारी सेवा से रिटायर्ड वैसे कर्मी जो वकालत में दिलचस्पी रखते हैं और वकालत करते हैं, वैसे लोगों को आदर्श अधिवक्ता मंच में जोड़ा जाता है। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज के लिए राहुल रंजन की रिपोर्ट। इसका गठन काफी पहले हो चुका है। इसमें रिटायर्ड पर्सनल जो हैं गवर्नमेंट सर्विस से या अदरवाइज रिटायर्ड हैं, वो इसके सदस्य मुख्य रूप से जो प्रैक्टिस करते हैं। इसका जो उद्देश्य है कि हम लोग अपनी सेवा समाज को दें। इसका कुछ फिलंथ्रोपिक उद्देश्य भी है कि हम लोग समाज की सेवा के लिए दें। प्रोफेशनल 100% होकर के हम लोग काम नहीं करते। अभी पिछले 2 वर्षों में कोरोना के काल में हम लोग आपस में बैठ नहीं सके, इसलिए काफ़ी समय के बाद बीत गया है। तो कोरोना का ये दंश कम होने की वजह से फिर हम लोग सब मिले हैं एक साथ। हम लोग की अपनी समस्याएं हैं, ये संगठन की जो समस्याएं होती हैं उस पर विचार करना, सदस्यता बढ़ाना। हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है डिस्ट्रिक्ट 12 एसोसिएशन का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए उस पर विचार विमर्श करना और अन्य जो समस्याएं हमारे होती हैं उस पर विचार विमर्श करने के लिए आज की बैठक मुख्य रूप से बुलाई गई है। और पीरियोडिकली हम लोग मिलते रहते हैं कोरोना के काल के बाद। इसमें कुछ खास निर्णय कुछ लिया गया वैसा कुछ निर्णय? अभी निर्णय हम लोग ने ये लिया है कि हम लोग अपनी सदस्यता को बढ़ाने का करें, क्योंकि काफ़ी हमारे नए सदस्य लोग ज्वाइन किए हैं। और चुनाव के में भी जो होने वाला है उस चुनाव में हम लोग की क्या भूमिका होनी चाहिए। आपका कोई कैंडिडेट भी होगा? जी कैंडिडेट भी होगा। हमारे ओर से कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स का क्या, उनका उनकी क्या एक्टिविटीज रही है, उनका क्या सोशल आउटलुक रहा है, संघों संघ के प्रति उनकी क्या नज़रिया रहा है, उनका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ऐसे आउटलुक उनका क्या है, इन बातों पर हम लोग मद्देनज़र विचार करेंगे। सभी प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ, सभी अनुभवी हैं, 60 इयर्स के ऊपर के लोग हैं, 75-78 के भी लोग हैं इसमें। तो वी विल डिस्कस कि भाई हम लोग कैसे इसको ये करें कि हम लोग का जो संघ को उसमें बल मिले और अच्छे कैंडिडेट का चुनाव हो सके, उसमें हम लोग की भागीदारी हो। परिचय सर बता दीजिए। मेरा नाम हुआ सुरेंद्र प्रसाद सिंह, अध्यक्ष हुए और हम बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रीजनल सेक्रेटरी से रिटायर्ड हैं।